हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूनम बड़गुजर, सीनियर फैकल्टी इन केमिस्ट्री, सीनियर फैकल्टी इन विद्या मंदिर क्लासेस टीचिंग केमिस्ट्री. दिस इज आवर थर्ड लेक्चर फॉर द चेंजेस अराउंड अस एंड दिस इज डीपीपी 2 वी आर गोइंग टू डिस्कस. नाउ दिस इज फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस आई विल डिस्कस विद यू एंड रिमेनिंग यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ, राइट? First of all, magnesium ribbon is burned and heat and light are produced. It is an example of chemical change, physical and irreversible, chemical and exothermic, chemical and endothermic reaction, right? First of all, something is burning. That means इतना तो fix हो गया है कि this is an chemical change, right? इतना तो पक्का है कि ये चीज physical तो हो नहीं सकती. तो इतना तो पक्का है, या तो केमिकल चेंज है, या तो ये है, या तो ये है. अब मैग्नीशियम रिबन जब किसी को बर्न करते हो, मैग्नीशियम रिबन इज नथिंग बट मैग्नीशियम की रिबन ही है, जिसमें मैग्नीशियम मेटल का स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम रिबन है, राइट? स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम मेटल आप कह सकते हो, इज नोन एज द मैग्नीशियम रिबन. अगर आप उसको बर्न करते हो तो इसमें सबसे ज्यादा जो आता है व्हाइट लाइट, डिजलिंग व्हाइट, ब्राइट लाइट आती है, व्हाइट ब्राइट डिजलिंग लाइट आपको दिखाई देती है, जिसमें जैसे पटाखे फूटते हैं ना, वैसे ही इसमें दिखाई देता है. दिस इज एन केमिकल चेंज एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एक्सोथर्मिक क्यों? जब ये बर्न होता है तो इसमें क्या दिया है बेटा? हीट एंड लाइट दिया है. अगर ये चीज हीट देती है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. दो चीजें होती है, एक एक्सो होता है, एक एंडो होता है. एक्सो का मतलब है हीट क्या होती है बेटा? रिलीज होती है. और एंडो का मतलब क्या होता है? हीट को रिक्वायर्ड है, हीट इज रिक्वायर्ड. ओके, यहाँ पे हीट क्या हो रही है बेटा? प्रोड्यूस हो रही है. दैट मीन्स हीट इज रिलीज. हीट रिलीज होने का मतलब है वो प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक. द सेकेंड यू हैव टू डू बाई योर सेल्फ, द प्रोसेस इन विच हीट इज टेकन इन, मतलब हीट रिक्वायर्ड है, दिस यू कैन टेल बाई योर सेल्फ. ओके ओके, मैं बता देती हूँ. द प्रोसेस इन विच हीट इज टेकन इन, मतलब कि जिसमें हीट ली जा रही है. क्या इवेपोरेशन एंड मेल्टिंग में हीट ली जाती है? इवेपोरेशन का मतलब है कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या हीट रिक्वायर्ड है? यस, हीट रिक्वायर्ड है मेल्ट होने के लिए, मतलब सॉलिड को लिक्विड में जाने के लिए. यस, इसमें रिक्वायर्ड है. फ्रीजिंग में हीट नहीं रिक्वायर्ड है. फ्रीजिंग में तो हम लोग टेम्परेचर को और डाउन कर देते हैं, राइट? कंडेंसेशन में भी हीट रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें भी टेम्परेचर डाउन हो जाता है. फ्रीजिंग अगेन अ रॉन्ग ऑप्शन. कंडेंसेशन एंड मेल्टिंग इज अगेन अ रॉन्ग ऑप्शन, बिकॉज जहां पे कंडेंसेशन आ गया वहां पे हीट रिक्वायर्ड नहीं है. हीट रिक्वायर्ड तो इन द सेंस की हीट हम लोग टेम्परेचर को ऑल डाउन जा रहे हैं, तो हमें हीट रिक्वायर्ड नहीं. हीट किस में रिक्वायर्ड है? इवेपोरेशन एंड मेल्टिंग. इवेपोरेशन क्या होता है बेटा? लिक्विड से गैस में जाना. मेल्टिंग क्या होता है बेटा? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना. इन दोनों प्रोसेस में मुझे क्या चाहिए बेटा? हीट चाहिए इन सबको कन्वर्ट कराने के लिए. दिस यू हैव लर्न्ड इन योर प्रीवियस लेक्चर्स. नाउ आई एम जस्ट डिस्कसिंग फिफ्थ क्वेश्चन एंड फोर्थ एंड सिक्स्थ यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, राइट? एक्सपेंशन ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑन कूलिंग चेंज ऑफ स्टेट इज केमिकल, परमानेंट, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल. एक्सपेंशन ऑन हीटिंग, एक्सपेंड हो रहा है ना हीट करने पे, तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है कूल करने पे, तो मतलब ये कोई केमिकल चेंज तो है नहीं, कोई परमानेंट चेंज भी नहीं है. इरिवर्सिबल का मतलब कि मैं दोबारा उसे चेंज नहीं कर सकती, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है. तो ये चीज क्या है बेटा? रिवर्सिबल प्रोसेस है, जो कि हीट करने पे एक्सपैंड तो हो रहा है एंड कूल करने पे कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है. जैसे ट्रेन की यू कैन से द पटरिया देख लो, रेलवे ट्रैक्स, जिसमें सम गैप्स आर देयर टू मेक कि अगर गर्मियां आए या फिर हॉट कभी कभी पटरिया गर्म हो जाए ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ द ट्रेन जिसमें उसके ऊपर से चल रही है, तो वो चीज मेल्ट हो जाती है. मेल्ट होने के बाद एक दूसरे से स्टिक हो जाती है. एंड समटाइम्स क्या होता है छोटा, जब वो चीज मेल्ट होने के बाद में अगर कुछ ठंडा हो गया तो वो चीज एक्सपैंड भी, एक्सपैंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है. तो ये सब चीजें चलती रहती है. दैट डजंट मीन कि वो फिजिकल चेंज है, राइट? It is a physical change, but it is not a chemical change. It is not a permanent change, and it is not irreversible. It is a reversible physical change, right? Now,
दिस इज द मैच द फॉलोइंग यू हैव टू डू. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीजिंग की बात करते हैं. फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है? फ्रीज करना किसी भी चीज को. अब फ्रीज करना हम लोगों ने कहाँ सुना है? जहां पे लिक्विड लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो देख लेते हैं कहाँ पे है. एक ऑप्शन अगर मैं मैच करूं तो सॉलिड टू लिक्विड नो, वेपर टू लिक्विड नो, वेपर लिक्विड टू वेपर नो, लिक्विड टू सॉलिड इज अ फ्रीजिंग. वाओ. सो बेसिकली ए इज मैचिंग विद योर एस, वेयर लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, राइट. सब्लिमेशन क्या था बेटा? डायरेक्टली सॉलिड इनटू गैस था विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, और यू कैन से कि सॉलिड टू गैस था विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, राइट. सो इट हैज अ ऑप्शन ऑफ सब्लिमेशन इज डायरेक्टली गैस इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्टली टू सॉलिड. तो डी ऑप्शन ये है. दो मैंने कर दिए एंड रिमेनिंग यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, राइट. बात करते हैं, दिस इज अगेन अ मैच द फॉलोइंग एंड वी हैव प्रोवाइडेड द ऑप्शंस आल्सो फॉर दिस. मैच द फॉलोइंग, चेंज इन विच हीट इज लिबरेटेड. चेंज इन विच हीट इज लिबरेटेड जस्ट आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस वेयर हीट इज रिलीज, राइट. सो इसका Z इज मैचिंग विद द P एंड द रिमेनिंग यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ. इट्स नथिंग, राइट. पहले वाले में एंडो आपको पता होना चाहिए, केमिकल चेंज आपको ऑलरेडी पता है. एंड देन यू हैव टू मैच कि P वाला Z के साथ मैच हो रहा है. तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, जिस C और D जो मैच हो रहे हैं. अब आपको बेटा Q एंड R के लिए पता करना है, और आपका आंसर आपके हाथ में है. आई एम डिस्कसिंग दिस 10th one, 9th you will do by yourself. Salts that can be separated from its solution, because सॉल्ट जो है सेपरेट हो सकता है सल्यूशन में से, राइट. बिकॉज मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इन वॉटर इज अ चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड. मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इन वॉटर इज अ चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड बाई हीटिंग एंड मेल्टिंग ऑफ सॉल्ट. ओके. मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इन वॉटर इज अ चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड. मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इन वॉटर इज अ परमानेंट चेंज. मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इज इन वॉटर इज अ चेंज दैट कैन बी रिवर्स बाय इवेपोरेशन. वाओ. हमने जब बेटा अभी सी वॉटर से सी को सेपरेट करने के लिए देखा था, तो हमने एक प्रोसेस पढ़ा था, दैट इज द इवेपोरेशन. तो सॉल्ट को सोल्यूशन में से सेपरेट कर सकते हैं. ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, बट इट कैन बी सेपरेटेड बाय द इवेपोरेशन. तो आंसर मेरा क्या है बेटा? डी ऑप्शन इज राइट. राइट. This you have, there are only 10 questions here. It will max to max. Some of the questions I already discussed in the video, and it is more than the 15 minutes se jyada ki video to hai nahi beta. So it will take max to max 20 minutes to solve all the questions, right? Please do all the questions on time, right?